अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब सारे उम्मीद करनी है सब ठीक ठाक होस अल्लाह ताला सो सब के अपने जमाने च है। आज ना जेड़ा भी लोग सा मैं शेयर कर सा, आज असना आखरी दिन है, बल्कि आधा दिन है असना तुर्क विच। शामी 5 बजे सा इतो निकलना मैं एयरपोर्ट वास्ते, 2 घंटे की ड्राइव है एयरपोर्ट पहुंचने वास्ते। तो आज थोड़ी जी शॉपिंग कर सा बच्चों वास्ते, कुछ इथे से पता टर्किश डिलाइट और बकलावा जड़ी है इन ट्रेडिशनल मिठाई है, तो वो थोड़ी जी किन सा बच्चों वास्ते ताजी ताजी। तो चलो फिर जुलने आ शॉपिंग सेंटर, ता फिर खाना भी खाई सब दिहाड़ी ना उठे। खाने ना तो मैं बड़ा फिक्र होना ना भाई, खाना जेड़ा ना टाइम पर खाना। टैक्सी बुलाने वास्ते ऐ बटन प्रेस करना, ऐ दा पोल है, ऐ दा होटल है, बिल्कुल बाहर निकलो तो ऐसी प्रेस करो। एक मिनट ने अंदर टैक्सी इत्थे। अज क्या खासो, अज आखिरी दिहाड़ा वे, आखिरी खाना वे, तुर्की ने तो खाई कि होगी चंगा जहा। ये कोफे में तो यहाँ खाई थी, क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या ख्याल है? कबाब कबाब क्या है? मिक्स सीरीज का चिकन सीज कबाब, मिक्स सीरीज की रहनी होती। मैं ग्रिल ना खा ले, मैं हल्का भूखा खा सकूं। आज ऐसा ना आखिरी लंच है तुर्की विच, तो मैं मौजा सन भाई पकानियां नहीं सिर पैनियां, तो दड़ाले नाल सवेला नाश्ता पक्या लपना सी। कोई कम नहीं करना पड़ना इतना, ना सफाई करनी पैनी है, ना मिकी हांडी चाढ़नी पैनी है, ना मिकी कोई ड्यूटी देनी पैनी है। तो मैं खुश सा बड़ी, इतना हफ्ता चंगा गुजरी गया। तो अज हूँ जा रही वापस, तो उन्हें फिक्र पै गया वापस ड्यूटी शुरू। हूँ तकने कोई हल्का फुल्का मरा दिल मैं सब्जी शब्जी कोई खाँ, तुम एक नहीं कि। अच्छा जी, ऐसा ना खाना आ गया, ऐसा चिकन मैं ऑर्डर किया चिकन विद बारबेक्यू सॉस एंड विद सम वेजिटेबल्स, और कबाब शीश कबाब विद सम वेजिटेबल्स चिप्स एंड अलीशा ना का चिकन रैप मसाला भी सर्व किया ने। मारा मैं कि चंगा लगना पिया, प्लेट सही सजाया ने, अच्छा एक सॉस बयान थोड़ा जो पिस्ता शो कुनाफा सारी बेकरी इतनी मजे नहीं लगनी पी है। बकलावा एवरीथिंग इज रियली फ्रेश नाइस एवरी डे यू डीलिंग विद फॉर एग्जांपल दिस वन इज नॉट सेल। चाय पीने हो? आखरी आखरी चाय तुर्की की पीकनो फिर वो दूध पत्ती काजली के इतना ये देखो काली चाय होनी है ना नहीं ये देखो हमारी चाय ने कप डबल कप अस ऑर्डर किया असा है आखिरी चाय है पेशी ना टाइम होया तो पी जुला। तो इधर है बकलावा। अच्छा जी, हूँ अस पैकिंग शैकिंग सारी करी किंदी है और निकला ले एयरपोर्ट वास्ते। तो तुम भी अच्छो संगी भी नाल सफर शामिल कर सा, शुरू कर सा होटल तू सफर, फिर अंतालिया एयरपोर्ट और फिर लूटन एयरपोर्ट। तो आज तुम भी सामान टर्मिनल टिकट आई शो यू सॉरी ओ दो जरा पेपर चेक कर टिकट शो यू उस पर होती। तो को जी बीच ने किनारा किनारा चली रही थी गाड़ी तकरीबन 20 मिनट आधा घंटा, क्योंकि चार जो फेरी हैं समझो अंतालिया ने बीच ही है। तो बिल्कुल इसने कोल सा रोज ही तकरीबन चक्कर लगना सी दिहाड़ी ना जहाँ तक वॉक करने वास्ते इसने किनारे पर जरूर जाना सी। तो असा मिस कर सा हूँ इसकी और ये जो 7 डेज गुजरे ने ना कि यादगीर रहे सी सारी, और यादगीर जी है वो यूट्यूब पर अपलोड हो जाए सी जिसल कुछ दिल कर सी गड्डी का थकी कि फोना च होना कि फोन खराब हो जाना वै फिर मैमरी चली जानी है फिर लॉस्ट हो जाने पिक्चर्स भी अजकल प्रिंट आउट कराने ना रवाज को नहीं रहा ना कोई फैशन है ना कोई कराने आ बस चिकी गया तकी किन्ने दाने बस हो ही गए। तो फिर जी यादगीर काफ़ी साल बाद मिटी जानी है कौन लभनी। तो चलो जी हूँ अस जा रहे हैं।
ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਆ ਤਾਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲੈ ਜਿਲਾ ਸਨ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕੀ ਤਕੜੇ ਨਾ ਆਹੋ ਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਛਾਪਾ ਪਰ ਖੜੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਰ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫੇਰੀ 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 ਕਾ ਖੜ ਸਨ ਔਰ ਲਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਕਿਆ ਜਾਏ ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਅਦਰ ਐਂਗਲ ਕੋਈ ਅੰਤਾਲੀਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਸਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਡਾਊਨ ਖੁੱਲੇ ਆ ਗੇਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਤਾਲੀਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੀ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੈਂਡ ਲੈਗੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਚਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਵੀ ਪਏ ਵੇਂਗੇ ਕਿ ਸਰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀ ਫਲਾਈਟ ਆ ਲਿਆ 8 or 9 o'clock ਅਸਲੀ ਫਲਾਈਟ अच्छा जी हूं तको असं जहाजा बेही गए ਤਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੈ ਦਵਾ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਡੁੱਲਿਆਂ ਕਾ ਤੰਦੂਰੀ ਕਿ ਮਿਸ ਕਰਨੀ ਸਮੇਂ ਤੰਦੂਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਾ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਟੈਕਸੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰਸੀ ਕੋ 5-7 ਮਿੰਟ ਰੋਡਾ ਪਰ ਚਲਸੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਫਲਾਈ ਕਰਸੀ ਤਾਂ ਲੇਟ ਆਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਓ ਸਤਕੋ ਜੀ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿਸਣਾ ਵੇ ਰਨਵੇ ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਲੈਟਾ ਮਾਰ ਟੇਕ ਆਫ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਰਨਵੇ ਪਰ ਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ ਸਪੀਡਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਅਸ ਤੱਕ ਇਹ ਸਕਣੇ ਅਸਾਂ ਰੀਲੀ ਫਾਸਟ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਐਲਰਜੀ ਐਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਤੁਰਕੀ ਅਨਤਾਲੀਆ ਹੈਲੋ ਜੀ ਦੇਖੇ ਪੂਰਾ ਸੀਨ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਜਹਾਜ਼ ਖਲਤੇ ਹੋਏ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੁਕਸ ਰੀਲੀ ਨਾਈਸ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ ਲਾਈਟਾਂ ਹੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦੱਸ ਹੋਣੇ ਲਿਓ ਸੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਟੇਕ ਆਫ ਹੋਇਆ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਸੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਅਜੀ ਲੈਂਡ ਹੋਈ ਗਈ ਅਸਾਂ ਲੰਡਨ ਲੂਟਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਲੂਟਨ ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਖੋਜੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਪਲਾਣ ਬੈਕ ਔਨ ਆਰ ਡਿਊਟੀ ਦੋ ਇੰਚ ਬਣੇ ਇਹਦੇ ਤੱਕੋ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਰਕ ਹੋਏ ਵੇ ਈਜ਼ੀ ਜੈਟ ਰਿਆਨ ਏਅਰਲਾਈਨ ਤਾਂ ਗਰਮ ਮੁਲਕ ਹੈ ਚੂ ਇੱਥੇ ਸਰਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੇ ਬੇਤਾਸ਼ੀ ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਲੀ ਗਿਆ ਅੱਛੀ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬੈਗੇਜ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆਏ ਜੀ ਡੈਸਲੀਸ਼ਸ ਦੈਟਸ ਮਾਈ
रस राजा साहब। अच्छा जी, ल्यूटन एयरपोर्ट जो असा बाहर निकलने पे थोड़े जे फासले पर असा उत्थे टैक्सी बुलाई है, तो उत्थे असा ले के टैक्सी च बैसा ते फिर असा घर पहुंचसा। जिला असलां लैंड कीता सी, मैं सोचा सी दो ना टाइम होया, बरहाल उसले 12 होए सन, दो तुर्की ना टाइम दसना सी, फिर बाद एक सिग्नल जिला आए तो उसले यूके ना टाइम आया। अच्छा जी, असं ल्यूटन पहुंचे हैं तो समझी कि असं घर पहुंची आए हैं, तो अपनी खुडी परीज पहुंच के आराम लगना पाए, सारी दुनिया फिर क्या छो। तो पूरा सफर तुसा नाल पूरा ट्रिप मैं शेयर किया वै तुर्की ने, उम्मीद करनी है कि तुसों की माड़े वे लोग पसंद आए हो सन। तो मिलसा तुसा नैक्सट वीडियो, सुख तक जल्द जानी, अल्लाह हाफिज़।